الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود شریف थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे, पीछे आने वालों को जगह मिल जाएगी, अंदर बैठने की हरम में बैठेंगे वो, उनको भी इत्तेकाफ का सवाब मिल जाएगा। जितने लोग भी हरम में बैठे हैं ये दुआ कर पढ़ ले, नवैतुल इत्तेकाफ मादुम तो फिल मस्जिद, ये नफली इत्तेकाफ की दुआ है। जब भी मस्जिद में दाखिल हो गए ये दुआ पढ़ ले, नवैतुल इत्तेकाफ मादुम तो फिल मस्जिद। इसका माना है मैं जब तक मस्जिद में रहूं मैंने एहतिकाफ की नियत की है। भाई यहाँ भी काफी जगह है, मेरी बाई तरफ काफी जगह है, तशरीफ ले आए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हम जानते हैं कि हम क्यों जमा हुए। आज हम जमा हुए हैं किसी के मौत पर, कल दूसरे लोग जमा होंगे हमारी मौत पर। आज हमने किसी के जनाजे का ऐलान सुना, कल लोग हमारा ऐलान सुनेंगे। आज हमने किसी को नहलाया, कफनाया, जनाजा उठाया, जनाजे की नमाज पढ़ी, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हाथ झाड़कर कब्रिस्तान से वापस आ गए। कल हमारे साथ भी यही होना है, कोई बाकी नहीं रहेगा। हमसे पहले बहुत थे, सब चल बसे, और हम लोग भी रोजाना दुनिया से दूर हो रहे हैं और कब्र के करीब हो रहे हैं। हर सेकंड दुनिया से दूर हो रहे हैं, कब्र से करीब हो रहे हैं। बराबर है मेरी बात? तो फिर बर्थडे क्यों मनाते हैं? जो इंसान कब्र से करीब हो रहा हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जोर चला है, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे लोग बर्थडे मनाते हैं, क्यों? ये तो कब्र से करीब जा रहे हैं। कब्र हमारो, हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि अभी मौत आ जावे तो नो प्रॉब्लम। मौत तो सबको आनी है ना, डर इसलिए लगता है कि मेरे हाथ खाली है, मेरे पास ना नमाजें है, ना कुरान करीम की तिलावत है, ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके है, ना अल्लाह के अहकाम में, डर इस बात का है। खैर, कहने का मकसद ये है मेरे भाइयों, कि एक न एक दिन हमें भी जाना है। हर जाने वाला पैगाम देता है, हर जाने वाला, भाई मैं तो जा रहा हूं, तुम तैयारी कर लो। हर जनाजा ये पैगाम देता है,
इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होशियार किसको कहा? होशियार कौन है? हमारी जुबान में होशियार अलग है और हमारे नबी की जुबान में होशियार अलग किस्म के लोग हैं। अल्कयसु मंदान नफ्सहु व अमिला बिमा बादल मौत। हमारे नबी ने अकलमंद किसी और को बताया और हमारी निगाह में अकलमंद कोई और है। हमारी निगाह में अकलमंद कौन है? वेट सेट, जिसकी खुद की दुकान, खुद का मकान और सब बच्चे सेट हो गए हो, जिसकी किराए की भी इनकम हो, सब कुछ, बहुत जबरदस्त आदमी है, बहुत होशियार है यार, बहुत होशियार, फला जगह एक दुकान, फला जगह एक दुकान, सब भारत से दे, इनकम चालू, बहुत होशियार। हमारे नबी क्या फरमाते हैं? अकलमंद आदमी वो है जो अपनी जिंदगी का हिसाब लगा ले, अपनी जिंदगी का। वह अमीला लिमा बादल मौत, मरने के बाद जो जिंदगी आने वाली है ना, उसकी तैयारी करें। देखो, चाहे मैं हो या तुम हो, जितना भी हम कमा ले, आंख बंद होगी ना बस खलास। सिकंदर बादशाह ने कहा, जब मेरा जनाजा उठे ना तो कफन से बाहर मेरा हाथ कर देना, ताकि लोगों को पता चले दुनिया का बादशाह था लेकिन खाली हाथ जा रहा है। अरब के अंदर दस्तूर था पहले, जब कोई इंसान का इंतकाल हो जाता था तो तीन चीजें उसके साथ जाती थी, तीन चीजें, दो चीजें वापस आती थी, एक चीज उसके साथ ले जाती थी। रिश्तेदार जाते थे उसके साथ, उसका माल और दौलत जाता था और उसके साथ उसके आमाल जाते थे। रिश्तेदार वापस चले आते थे, माल और दौलत भी वापस चला आता था। अब रहेंगे आमाल, चाहे नेक आमाल हो या बुरे आमाल हो। इसीलिए कुरान करीम ने कहा, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात, अल्लाह वो ज़ात है जिसने मौत को भी पैदा किया और जिंदगी को भी पैदा किया। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हम तुम्हें आजमाएंगे कि तुम में से कौन अच्छे अमल करके आता है। जिंदगी पानी की तरह जा रही है मेरे भाइयों, बहुत जल्दी, कहाँ जुमा आती है जुमा चली जाती है, रमजान आते है रमजान चले जाते हैं, पानी की तरह पिघल रही है हमारी जिंदगी बहुत फास्ट। अभी वक्त है तैयारी करने का। इज़राइल वो फरिश्ता है जब आ जाता है ना रूह लेने के लिए, बगैर रूह लिए वापस नहीं जाता। लोग कहते हैं ना, बचते मरते मरते बच गया, लोग ऐसा कहते हैं, मरते मरते बच गया, मरते मरते कोई नहीं बचता, बचते बचते मर जाते हैं। हॉस्पिटल क्यों ले जाते हैं? बचाने के लिए। हॉस्पिटल भाई, इनको दिल का दौरा पड़ा, कुछ हुआ, ये हुआ, वो हुआ, चलो हॉस्पिटल, चलो हॉस्पिटल, तबीब को अच्छे अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ, क्यों? बच जाए, बच जाए। लोग बचते बचते मर जाते थे। बस जैसे आंख बंद हुई, आमाल का दफ्तर बंद, बंद खलास। अब जिंदगी में नमाजें पढ़ी हो ना पढ़ी हो, ऊपर हिसाब है। विरासत ने बहन को हक दिया न दिया, ऊपर हिसाब है। किसी की जमीन दबा दी नहीं दी, किसी का कर्ज लिया नहीं दिया, परिसर खलास, दफ्तर बंद। जैसे कब्र में जाएंगे ना, कब्र में अल्लाह इतना गफूर और रहीम है, ये बच्चे अभी एग्जाम देंगे, अल्लाह सबको कामयाबी नसीब फरमा दे, लेकिन बेटा मदरसा मत छोड़ना,
मदरसा मत छोड़ना। बड़ी अजीब एक पिछले एक बात बता दूं मैं आपको, काम की बात, ये कब्र की बात याद रखना। तीन सवाल देखो, जब स्कूल का एग्जाम आता है तो हमारे बच्चे मदरसे में नहीं आते, या तो आकर एक घंटे में चले जाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, आकर चले जावे वो भी बहुत अच्छी बात है, मदरसे में एक आदमी का फोन आया कि उस्ताद मेरा पोता 2 हफ्ते मदरसे नहीं आवे। मैंने कहा क्यों नहीं आवे? कहा उसका स्कूल का एग्जाम है। ठीक है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, खाली 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। मैंने कहा ध्यान से सुनो, बड़े आदमी थे। मैंने कहा देखो, तुमने भी जिंदगी निकाली है, मैंने भी जिंदगी निकाली है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, हालात भी आते हैं। मैंने कहा ये बताओ, अगर हमारे ऊपर हालात आते हैं, हम मुसलमान होते, हमारे ऊपर हालात आते हम कहां जाते? मस्जिद नहीं जाते, अल्लाह से दुआएं नहीं करते, कुरान करीम की तिलावत नहीं करते बरकत के तौर पर कि हालात दूर हो जाते। हाँ, मैंने कहा ये बच्चे तो बच्चे हैं ना, इनके लिए सबसे बड़े हालात एग्जाम है, सबसे बड़े हालात इनके एग्जाम है। 4-4 घंटे बच्चे ट्यूशन करते हैं, 6-8 घंटे स्कूल में देते हैं ट्यूशन वाले, 4-4 घंटे इनके ऊपर मुसीबत आई हुई है। जब इनके ऊपर मुसीबत आई हुई है तो इनको हम क्या करेंगे? इनको तो हाथ में कुरान देना पड़ेगा ना बेटा, 1 घंटा कुरान पढ़ ले, जा नमाज पढ़ने, जा नमाज पढ़ने। हालात है तेरे ऊपर, तुझे कामयाब होना है, तुझे कामयाब होना, जा मस्जिद जा, मदरसे जा। तो मेरे भाई हो, ये बच्चे बैठे हैं, उनसे भी मैं कहूंगा एग्जाम के वक्त तो जरूरी है, हालात ही है, हालात के वक्त हम कुरान को छोड़ देंगे या पकड़ेंगे? हम तो कुरान को छोड़ देते। तो ये मदद जो कुरान के जरिए हमें मिलनी थी वो कट जाती है। खैर, हम थोड़ा सा दीन के ऊपर ध्यान दे मेरे भाइयों, क्योंकि सबसे पहले जब हमें कब्र में रखा जाएगा ना, हदीस में आता है, हदीस में, अभी तो मिट्टी डालकर जाने वाले जाते भी नहीं है कि 2 फरिश्ते आ जाते हैं अंदर, छोटी सी कोठरी के अंदर, छोटी सी, है ना। कब्र कितनी होती है, इंसान खड़ा होता है उसका सर भी बाहर नहीं निकलता, अंदर छोटा सा, न दरवाजा है, न खिड़की है, न लाइट है, न पंखा है, न फ्रिज है, न कोई पानी की बोतल और ग्लास रखा हुआ है, कुछ भी नहीं, फोन चार्जर कुछ भी नहीं है। अभी तो मिट्टी डालकर जाने वाले जाते भी नहीं है कि 2 फरिश्ते आकर बिठा देते हैं, बैठ जाते हैं। मुर्दा जो है ना, मुर्दा जिसको अभी दफन किया, वो चप्पलों की आहट भी सुनता है। इसीलिए एक बात याद रख लो, हदीस में आता है जब तुम अपने रिश्तेदार को दफन कर चुको, मुसलमान को, ये तो रिश्तेदार ही कर सकता है ये काम, कभी तो सब बिजी हो गया ना, कब्रिस्तान तो बहुत आएंगे, लेकिन मैं जो अमल बताता हूं ना हदीस से, उसको जरूर याद रखना। 5 मिनट लगेगी, करें 5 मिनट, 5 से 7 मिनट, 10 मिनट चलो ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि जब तुम मुर्दे को दफन कर दो तो उसकी कब्र के पास खड़े होकर इस्तिग़फ़ार करो। कितनी देर? जितनी देर में ऊंट को ज़बह करके उसके टुकड़े करके तकसीम कर दिया जाए। अरब के अंदर ऊंट काटने का रिवाज था और अच्छे अंदाज से और फास्ट ऊंट काट लेते थे। उलमा ने इसका अंदाजा लगाया 70 मर्तबा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मुर्दे को दफन कर दिया, कब्र तैयार हो गई, अंदर फरिश्ते आ गए, हम कब्र के पास खड़े होकर बड़े अदब एहतराम के साथ इस्तिग़फ़ार में लगे रहे।
दो चार पांच आदमी भी लगेंगे ना, 10-15-20 को तो बहुत अच्छा। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी 70 मरतबा उसको उंसियत मिलती है और वो सवाल के जवाब देने में उसके लिए आसानी हो जाती है। कितना अच्छा अमल है, जबरदस्त अमल। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो मेरे भाइयों, ये कब्र बड़ी अजीब चीज है। अब अल्लाह इतना गफूर रहीम है, ये बच्चा भी एग्जाम देंगे ना तो 20 सवाल, 30 सवाल, 50 सवाल, 60 सवाल, 40 सवाल, जैसा जैसा सब्जेक्ट। न सवाल बताया जाता है न जवाब बताया जाता है। बच्चों को खाली सवाल की भनक आ जाए ना तो खुशी से उछल पड़ते हैं। लीक हो गया, एक सवाल लीक हो, एक 10 मार्क्स, उसके पीछे मेहनत 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 मेहनत, एक तो आएगा, एक तो आएगा, लिख डालेंगे, इतनी खुशी होती है। वो 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाला जो बैठा है ना, उसने अपने दरे रहमत पे लिखा है, अपने दरे रहमत का जो दर है उसके ऊपर लिखा है। ये सब तख्ती लगाते ना, बोर्ड लगाते ना, उसने अपने दरे रहमत पर लिखा हुआ है, इन्ना रहमती सबकत गज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से से आगे है, मेरी रहमत मेरे गुस्से से आगे है। वो रहम रब ने, रहम करने वाले रब ने हमें 3 सवाल भी बता दिए और उसके जवाब भी बता दिए। खाली सवाल बता के छोड़ नहीं दिया, उसके जवाब भी बताए। अब कहा तुम मेहनत करो, अब मेहनत करो। सवाल भी हमारे पास है, जवाब भी हमारे पास है। भाई ये बच्चे हैं, सर ने मैडम ने इनको सवाल भी दे दिए और बुक तो है इनके पास जवाब के लिए। ये सवाल है, इसके अंदर जवाब है। ये सवाल जवाब देने के बावजूद अगर बच्चा फेल हो तो उस बच्चे को क्या कहेंगे कि तेरे जैसा बद नसीब तो कोई नहीं है? ना लाइक, तुझे सवाल भी दिए थे, जवाब भी दिए थे और तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम था, तूने क्या किया? बस फरिश्ते इसी तरह हमें कहेंगे, ये सवाल भी हमारे पास है, जवाब भी हमारे पास है। सबसे पहला सवाल, उठो भाई, उठो। और फरिश्तों की हयात और कैफियत भी बड़ी अजीब है। कब्र में जो फरिश्ता आएंगे ना, बड़ी अजीब हयात है उनकी। अल्लाह के खलील जब मलकुल मौत को देखकर बेहोश हो गए थे, जमीन के ऊपर का मसला है तो जमीन के अंदर का मसला कौन देखने गया? देखो एक बार जहन में रखो, कब्रिस्तान में जाओ, तुम्हें जानवर नजर आते हैं कब्रिस्तान, कितने कुत्ते और गाय ये सब करते हैं, जाओ कब्रिस्तान में जाकर देखो। मैं ऐसा नहीं कहता कि अल्लाह हर एक मुसलमान की मग़फ़िरत फरमा दे, हर एक रहमत खुदावंदी बहाना भेजो या बहाना भेजो, अल्लाह की रहमत तो बहाना तलाश करती है भाई। बस हम लगे रहे लगे रहे लगे रहे, इसलिए कि जो कब्र में अजाब होता है ना मुर्दे को, तो इंसान और जिन्नात के अलावा हर मखलूक उसकी आवाज सुनती है। बड़े बड़े अजीब किस्म के मसाइल है जमीन के अंदर के। इस तरह दुनिया के अंदर, जमीन के अंदर जाओ तो खजाने मिलते हैं ना, वहां भी ऐसा ही है, बड़े अजीब मसाइल। तो हयात बड़ी खतरनाक है उनकी, लेकिन बंदा तैयारी करके गया ना उसके लिए कोई मसला नहीं। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा किया ना, तो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अल्लाह के रसूल क्या जब फरिश्ते कब्र में हमें सवाल करेंगे तो इसी होशियारी में होगा मैं? तो कहा कि हाँ उमर, इसी तरह होशियारी में होगा। उमर इब्न खत्ताब ने क्या कहा? कोई बात नहीं, फिर तो मैं जवाब दे दूंगा, फिर तो मैं
राबिया बसरिया रजी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहा उनको सवाल किया, किसी ने ख्वाब में देखा क्या गुजरी? फरमा फरिश्ता आए थे सवाल करने के लिए, मन रब्बू का तेरा रब कौन है? मैंने कहा दो गज जमीन के ऊपर थी कभी भी नहीं भूली, दो गज जमीन के नीचे आके भूल जाऊंगी कि मेरा रब कौन है? आज हमने अपने पहला सवाल हमारी पहले सवाल के ऊपर ही मेहनत नहीं है। मन रब्बू तेरा रब कौन है? जवाब दे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लेकिन वहां वही जवाब देगा जिसने हकीकी माने में अल्लाह को पहचाना होगा। हम फोन इस्तेमाल करते हैं ना, फोन रिचार्ज खत्म होने को आता है तो पहले मैसेज आते हैं, घर में बीवी बच्चे जान जान खा डालेंगे, ओ मेरा रिचार्ज कल खत्म होता है, कल खत्म होता है, कल खत्म होता है, कल खत्म होता है, और खत्म हो गया और तुमने रिचार्ज नहीं किया, इतना बड़ा फिकर, ये फिकर है, ये फिकर है, इसको हमने पहचाना, इसकी फिकर दे, खबर की कोई फिकर नहीं है। रब कौन है? रब है अल्लाह है। कभी हमने तारीफ की अपने रब की ऐसी जैसे छोटे से फोन की तारीफ कर ली हमने, कभी हमने आसमानों को देखकर अंदाजा लगाया कि यार अल्लाह ने कैसा बगैर सुकून के बगैर पिलर के अल्लाह ने आसमान को खड़ा कर दिया यार, ये जमीन बगैर पानी पर बिछा दी। इंसान जिन्ना जानवर हर एक चीज का बनाने वाला पैदा करने वाला, कंपनी एक गाड़ी निकाल दी है ना, क्या गाड़ी है, क्या गाड़ी है, एक मॉडल की हजारों गाड़ियां, एक मॉडल की, और इंसान करोड़ हा करोड़ चले गए है और आएंगे, हर एक का मॉडल अलग। पुलिस वाले फिंगरप्रिंट क्यों लेते हैं, फिंगरप्रिंट क्यों लेते हैं? ये छोटी सी डिजाइन, रब के पास कितने खजाने हैं, ये डिजाइनों के खजाने कितने हैं रब के पास। फिंगरप्रिंट इसलिए लेते हैं कि एक दूसरे की मिलती नहीं है, ये सब कारीगर है मेरे। खैर बस कहने का मकसद ये है कि मौत एक हकीकत है, उसकी तैयारी के लिए हमें दुनिया में भेजा गया है। अकलमंद आदमी वो है जो अपनी जिंदगी का हिसाब लगावे, मेरी 40 साल की जिंदगी हो गई, मेरी 50 साल की हो गई, मेरी 60 साल की हो गई, हिसाब लगावे मैंने 60 साल के अंदर या 50 साल के अंदर मैंने कितना वक्त दुकान में लगाया, कितना वक्त बीवी बच्चों के पीछे लगाया, कितना वक्त अल्लाह के घर में लगाया, कितना वक्त कुरान को दिया, हिसाब लगा लो, कितना वक्त टॉयलेट को दिया। सबसे कम वक्त निकलेगा ना अल्लाह के कुरान का निकलेगा, इसलिए कि पढ़ते नहीं हम, इसके ये सब बैठे सब मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, सबको अल्लाह इस्लाम के ऊपर जिंदा रखे, ईमान के ऊपर बोल नसीब फरमाए, सबके ऊपर, सबके पास कुरान है, सबके घर में कुरान है, अपने अपने गरिमान में झांक कर देखे मैंने आखिर में कुरान कब लिया था, मैंने कब पढ़ा था। बहुत अफसोस की बात है, मुसलमान बहुत पीछे है मेरे भाइयों, बहुत पीछे। हमें दूसरे मुसलमानों को देखकर सबक लेना चाहिए। देखो ये फलस्तीन में जो भी चल रहा है, दो तीन चीजें आपने भी क्लिप में बहुत देखी होगी, मैंने भी देखी अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटे बच्चे का इंतकाल हो रहा है, ठीक है, उसके पास उसका भाई बैठकर उसको कलमा पढ़ाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ाता है। ये हमारे पास ये ताकत और इल्म है, हमारे पास कैसा करना चाहिए, हमारे पास नहीं।
इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े लेकिन उनकी जुबान के ऊपर से अल्लाह नहीं जाता। हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील। और मेरे भाइयों, ये इनकी कुर्बानी, इनके जज्बात, ये किस लिए? अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के घर के लिए। बच्चा बच्चा, छोटा सा छोटा सा बच्चा, अल्लाह 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 वो बोल रहा है। चंद चंद सांसों के बाद तो वो चला जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुसीबतों के पहाड़ टूटे उनके ऊपर, लेकिन उनका ईमान, हकीकत में यार, जो स्पीच देते हैं वो, जो मस्जिद अक्सा के बारे में वो बातें करते हैं, जो इस्लाम के बारे में वो बातें करते हैं, अल्लाह की कसम उनसे तो बहुत पीछे हो, बहुत पीछे। हमें तो सही माने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने भी नहीं आता। कलमा पढ़ बेटा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके अलावा ये हमारे हालात है। मैं आपको सही कह रहा हूं, मैं फिक्र नहीं है। हमें ईमान की, इस्लाम की, कुरान की, दीन की, शरीयत की हमें फिक्र नहीं है। आंखें खोलो, आंखें खोलो, मर जाएंगे कल, जिस तरह हमारे हनीफ भाई दुनिया से रुखसत हुए। मुझे झटका भी लगा, मैं कल सफर में था, अभी सबका फोन आया, आपने कुछ सुना कि वो इब्राहिम तुम जो तुम्हारे पास पढ़ रहा है, अल्लाह इसको तकमील तक पहुंचा दे। मैं इनके चचाओं से, खानदान वालों से अर्ज करूंगा कि कोई तरतीब बनाकर इसका हिफ्ज मुकम्मल करा दे, इसलिए कि दो तीन मर्तबा मेरे पास आए थे। ऐसा नहीं कि चल बसे, तो पहले से ही जब उनसे पहली मुलाकात हुई और उनके बात करने का जो अंदाज था ना, मैं हैरान हो गया। इतने अदब एहतराम के साथ बैठकर इस अंदाज से बैठे और इतने अदब एहतराम के साथ मेरे साथ जो उन्होंने बात की दो तीन मरतबा, मैं उसी वक्त से हैरान होगा। ऐसा नहीं कि उनका इंतकाल हुआ तो आज मैं उनके इंतकाल की बात कह रहा हूं, इसलिए मतलब सबक मुझे बहुत फील हुआ। फौरन जो भी पढ़ना था, दुआ करने की, जनाजे में भी हाजिर ना हो सका इसलिए मैं रात को देर से आया। मैंने इनके बेटे को फोन कर दिया था, जैसे हमीद साहब का फोन आया, उसके बाद इब्राहिम से बात भी हो गई। अल्लाह पाक उनकी भरपूर मगफिरत फरमा दे। हालात आते हैं मेरे, जब ये सी होते होती है ना तो थोड़ा सा झटका लगता है, लेकिन एक हदीस सुनाओ मैं आपको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूटे तो मेरी मुसीबत को याद कर लेना, तुम्हारी मुसीबतें हल्की पड़ जाएगी। देखो, जब किसी का बच्चा जाता है ना, बच्चा फलस्तीन में बहुत सारे बच्चे चले गए, बहुत सारे गए। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसराइल को बुलाते हैं, जानने के बावजूद अल्लाह पूछते हैं कि मेरे बंदे के बच्चे को ले आए? हाँ अल्लाह, ले आया मैं। फिर अल्लाह कहता है, मेरे बंदे के जिगर के टुकड़े को ले आए? हाँ अल्लाह, ले आया मैं। मेरे बंदे ने क्या कहा? तो इसराइल फरमाते हैं, उसने सबर किया, सबर किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पढ़ा और तेरी तारीफ की। इन्ना लिल्लाहि मा कदउन, दुआ है सब अल्लाह ही के लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए है और उसी की तरफ हमको लौट कर जाना है। अल्लाह फरमाते हैं, जन्नत में एक आलीशान महल बनाओ और उसका नाम रखो बैतुल हम्द, और उनके नाम पे कर दो। अब अंदाजा लगाओ कितने बच्चे चले गए। हमारे नबी की सात औलाद, चार लड़कियां, तीन लड़के। हमने कभी सोचा, जब हमारा एक जाता है ना, एक, अल्लाह सबकी उम्र में बरकत नसीब फरमावे, एक जाता है ना, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एक जाता है, हमारे नबी की जिंदगी में छह चले गए, छह, सात में से छह हमारे नबी की जिंदगी में। एक हजरत फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक ही बचे थे, बाकी सब ने हमारे नबी की जिंदगी में, सब ने दुनिया से पर्दा फरमाया, छह औलाद थे, छह। एक, और वो भी
जब दुनिया से जाने का वक्त था, मशहूर हदीस है ना, कान में कहा तो रोने लगी, दूसरे कान में कहा तो हंसने लगी। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा है जब कुछ अरसे के बाद कि अब्बू ने तुम्हें एक कान में कुछ कहा था तुम हंसने लगे रोने लगे, दूसरे कान में कहा था हंसने लगे, तो फरमाया जब मेरे पहले कान में कहा कि बेटा मैं जा रहा हूं, बे इख्तियार मुझे रोना आया कि भाई मेरे अब्बू चले जाएंगे। और उमूमन उमूमन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं बड़े, तो अक्सर लड़कियों को ज्यादा मोहब्बत होती है माँ बाप से जब वो ससुराल चली जाती है ना, लड़कियों को ज्यादा मोहब्बत होती है माँ बाप से, लड़के भी करते हैं लड़कों को ज्यादा होती है। अच्छा, अब हमारे नबी को कैसी मोहब्बत थी फातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, सफर में जाते ना तो सबसे आखिर में उनसे मिलते, सफर से वापस आते तो सबसे पहले उनसे मिलते। एक मर्तबा दरवाजे पर दस्तक दी, फरमाया फातिमा है दरवाजा खोल दो। फातिमा तो भी कर तुम मिन्नी, फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। एक मर्तबा दोपहर के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ले गए, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मिल गए। अबू बकर यहाँ भूख ने सताया है, मुझे भूख यहाँ खींच कर लाई अल्लाह के दरबार में, भूख लगी तो कहाँ गए मस्जिद में अल्लाह के दरबार में। तो दोनों जहान के सरदार ने फरमाया अबू बकर मैं भी भूख की वजह से आया। दोनों जहान के सरदार, थोड़ी देर हुई उमर इब्न खत्ताब तशरीफ ले आए, उमर कैसे आना हुआ, भूख मुझे अल्लाह के दरबार में ले आई, चलो ठीक है हम चलते एक सहाबी के मकान पर, गालिबन अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला। तो सलाम किया तो घर में थे नहीं, उनकी घर वाले तो बड़े खुश हो गए कि अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए, बिठाए अभी आ जाएंगे अभी आ जाएंगे, थोड़ी देर में तशरीफ ले आए। और तशरीफ लाते ही इतने खुश हुए फौरन एक खोसा तोड़ा खजूर का और हमारे नबी के सामने रख दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कच्ची पक्की तोड़ ली तुमने, पक जाने देते पक्की तोड़ लेते। फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक का मिजाज अलग होता है, किसी को आज कच्ची पसंद है, किसी को पक्की पसंद है, किसी को थोड़ी सी कच्ची पसंद है। ये खजूर खा रहे थे कि जल्दी जल्दी बकरा बकरी सबा की और उसका गोश्त तैयार किया और हमारे नबी के पास रखा। दोनों जहान के सरदार ने क्या किया, गोश्त को उठाया पत्ते पर या किसी चीज पर रखा, फरमाया मेरी फातिमा को दियाओ, उसने भी दो दिन से कुछ खाया नहीं। ऐसी जिंदगी गुजारी है, हम तो पेट भरकर खाना खाते थे माशाल्लाह, पेट भरकर। जब खाना खा रहे थे तो अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया इसका भी हिसाब होगा। उमर इब्न खत्ताब ने वो खजूर का खोसा जमीन पर रखा, या रसूल अल्लाह इतनी भूख के बाद ये खाना मिला है उसका भी हिसाब होगा। फरमाया हाँ उमर इसका भी हिसाब होगा, ठंडे पानी का भी हिसाब होगा। तो मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत थी अपनी बेटी से, फरमाया बेटी मैं जा रहा हूं तो मैं रोने लगी, दूसरे कान में कहा कि फिकर न कर बहुत जल्दी तू आ जाएगी तो हंसने लगी, लाओ हमारे कोई बच्ची लाओ, बाप मर रहा हो रो रही हो कि बेटा फिकर ना कर तू भी मेरे पीछे आएगी, तो और ज्यादा रोने लगे। हमारे माँ देखो ये है, इसको कहते हैं खुशी, इसको कहते हैं खुशी। छह महीने गुजरे थे कि फातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अभी दुनिया से चल बसी। खैर अपने भाइयों अब मुद्दे की बात थोड़ी सी, देखो हम सबको मर जाना है, अब तैयारी करनी है हमें, अच्छे आमाल करने हैं, नमाजों की पाबंदी करनी है। बहुत हो चुका मेरे भाइयों, बहुत हो चुका, हमने बहुत अय्याशी बदमाशी नाफरमानी में जिंदगी गुजार ली।
अच्छी बात है। छोटा सा गड़ा है, जाओ देखो कब्रिस्तान सन्नाटा चमसाया हुआ है, कोई गुस्साने हाल नहीं है। बेटे को तीन मर्तबा कुल अल्लाहु अहद पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, तीन मर्तबा। सब बिजी है दुनिया में, सब बिजी है, हम जो करेंगे वही काम आएगा, बस सीरियस हो जाओ, सीरियस। कौन समझता था कि हनी भाई दो तीन दिन में चले जाएंगे, कौन समझता, किसको तसव्वुर में था, किसको तसव्वुर में था, लेकिन उनका वक्त आ गया, चल बस है। हमारा भी वक्त आएगा, चले जाएंगे। इसलिए मैं सोचू कि कल से नमाजें पढ़ूंगा मैं, ये उम्मीद पर मत रहना कि मेरी जिंदगी कहां तक की है, ये उम्मीद पर मत रहना मेरे भाइयों। जिंदगी एक ऐसी चीज है कि हमें पता नहीं है कि कहां तक है, खबर नहीं। लोग अचंभे में हो जाएंगे, अचानक इनका ऐलान कैसे हो गया, इनको तो कुछ नख में भी दुख नहीं था, इनका ऐलान कैसे हो गया। इसके सीरियस हो जाओ मेरे भाइयों, अपना वक्त कीमती समझो, ये इंटरनेट और फोन में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। इंटरनेट, फोन और ये औरतों में अभी पाकिस्तानी सीरियल का बहुत रस चला है, दो दो बच्चा थे, दो दो बस, इतना इतना इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट कि सब भूल गए, न फजर की नमाज, न कुरान की तिलावत, न तस्बीह, सब का खात्मा हो गया। हम ऐसे पढ़ गए मेरे भाइयों, ये जो हम पैसे भरते हैं ये इंटरनेट के ऊपर, ये नौजवान क्या समझता है, रोज जो रोजाना की 2 GB मिलती है ना, वो खलास करके ही सोने की, पैसे बड़े 700 रुपए भाई, इसको 700 रुपए की फिक्र है 2 GB में, इसको खलास करने में कितना उसकी जिंदगी का वक्त जाता है इसको ये पता नहीं कि मेरी कितनी सांसें चली जाती है। इसलिए सीरियस होने की जरूरत है, मौत का झटका लगेगा कल कयामत के मैदान में, हमें अल्लाह के सामने पूरी जिंदगी का हिसाब देना है। فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ। ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो भी हमारी आंखों के सामने आ जाएगी, और ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो भी हमारे आंखों के सामने आ जाएगी। कुरान अजीब अंदाज से बयान करता है, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه। आज थोड़ी सी मुसीबत आ जाए पूरा मोहल्ला जमा हो जाता है और उसे उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है, सब काम में लग जाते हैं, भगदौड़ मच जाती है। आहा, कयामत का मैदान होगा, कोई किसी को पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी को पहचानने वाला नहीं होगा। माँ, वो माँ जिसने 9 महीने बच्चे को पेट में रखा, 2 साल दूध पिलाया, 5-6 साल पेशाब पाखाना साफ किया और बच्चे को परवान चढ़ाया, आज आज वो कयामत का मंजर है। मां अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी, बाप अपने बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा अपने माँ बाप को नहीं पहचानेगा, सब अलग अलग हो जाएंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। यवद्दुल मुजरिम, आ जाओ देखो दुनिया की कोर्ट में, पैसे डाल दो अपने हक में फैसला ले लो, जज को पैसे डाल दो अपने हक में फैसला ले लो। यवद्दुल मुजरिम, कुरान कहता है यवद्दुल मुजरिम लव यफ्तदी मिन अदाबी इतना खतरनाक माहौल होगा। आज अगर औलाद ने कसूर किया हो ना, तो बाप औलाद को बचाने के लिए खुद के ऊपर ले लेता है, मैं जेल जाऊंगा चलेगा, मेरा बेटा नहीं जाएगा, अपने ऊपर ले लेते हैं माँ बाप कि भाई मैंने किया, मेरे बेटे ने नहीं किया, जो सजा देनी हो मुझे दे दो। और कयामत के मैदान में मुजरिम ये तमन्ना करेगा कि मुझे बचा लिया जाए, मेरे बेटे को डाल दो, मेरे बेटे को डाल दो जहन्नम में, मुझे बचा दो। यवद्दुल मुजरिम लव यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिज़िन बिबनी,
बीवी के पीछे इंसान पागल और दीवाना है और जो चाहे खर्च करता है। लेकिन कयामत का ऐसा मंजर होगा, मेरी बीवी को डाल दो, मेरे भाई को डाल दो, इससे भी काम नहीं चलेगा। वह फसीलत इल्लती तू भी, सारा खानदान डाल दो, मुझे बचा लो, इससे भी काम नहीं चलेगा। वमन फिल अर्द जमिया तुम मंजी, सबको डाल दो, सब पूरी दुनिया को डाल दो। अब तो सामने है ना, अब सामने है। दुनिया में तो कहते थे क्या जन्नत में जहन्नम है देखी जाएगी, अब सामने है। अब क्या कह रहा है, सबको डाल दो, मुझे बचा लो। कल्ला, दुनिया का अंधा कानून नहीं है भैया। इन अल्लाह ला यज़लिमु मिथ़्क़ाल ज़र्रा, हमारी वो कोर्ट है कि जर्रा बराबर जुल्म नहीं होगा यहां पर, जो करेगा भरेगा। इसीलिए कुरान ने अजीब मंजर खींचे हैं कयामत के दिन के, तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सूरे बूंद जैसी सूरतों ने मुझे बुढ़ा कर दिया। हम जिलजाल पढ़ते हैं, हम अल्हा को मुत्तकाजुर नमाज में पढ़ते हैं, ये सूरतें हमें क्या कहती है, अल्हा को मुत्तकाजुर, माल की बोहतात ने तुमको गफलत में डाल दिया, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक के तुमने कब्रों की ज़ियारत कर ली। कल्ला सौफ तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, अन करीब जान लोगे तुम, अन करीब जान लोगे। अल-क़ारिया अल-क़ारिया, खड़खड़ाने वाली, मल-क़ारिया खड़खड़ाने वाली क्या है, वमा अदराका मल-क़ारिया, आप क्या जाने के वो खड़खड़ाने वाली क्या है। यौम यकूनुन नासु कल-फराशिल मर्दूस, पतंगे की तरह लोग बिखर जाएंगे। वतकूनुल जिबालु कल-अहलिल मनफूस, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन में भूचाल आएगा। वअख्रजतिल अर्दु अथक़ालहा, जमीन अपने बोझ को बाहर निकाल के फेंकेगी। वकाल इंसान मा लहा, इंसान कहेगा इसको क्या हो गया। यौमैदिन तुहद्दिथु अख़बारहा, जमीन उस वक्त खबरें बयान करेगी। हम सूरह यासीन पढ़ते हैं, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तश्हदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, आज तुम्हारे मुंह के ऊपर मोहर लगा दी जाएगी, तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पांव गवाही देंगे कि तुमने क्या गुनाह किया है। इंसान कहेगा लिमा शहीदतुम अलैना व कानू लजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, अपनी चमड़ी को कहेगा कि तुम मेरे खिलाफ ही गवाही देते हो, तुमको बोलने की ताकत किसने दी है। तो ये हाथ पैर बोलेंगे, अंतकनल्लाहु अल्लज़ी अंतका कुल्ल शैई, हमको उस जात ने बोलने की ताकत दी है जिसको हर चीज में बोलने की ताकत दी है। इसलिए मेरे भाइयों, आज नियत करो कि इंशाअल्लाह हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, अपने आप को गुनाहों से बचाने की पूरी पूरी फिक्र करो। ये कयामत का जलजला, कयामत का झटका, मौत का झटका, ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं। जो इंसान अल्लाह से लव लगाता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह भी उसके लिए आसानियां पैदा करवाता है। एक मशहूर हदीस सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम ये नेक बंदे की रूह किस तरह कब्जे करते हो, फरमाया चेहरा फेरो, चेहरा फेर कर देखा तो बेहतरीन किस्म के बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सफेद लिबास है, खुशबू फूट रही है, और बहुत नरम अंदाज से जिस तरह आटे में से बाल निकलता है इस तरह नेक बंदे की रूह निकाल ली जाती है। फरमाया कि बुरे इंसान की किस तरह रूह कब्जे करते हो, इसराइल ने फरमाया अल्लाह के खलील तुम्हारे बस की बात नहीं है, नहीं मुझे देखना है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझे दिखा दो, चेहरा फेरो, चेहरा फेर कर अल्लाह के खलील इब्राहिम आला नबी नवाली सलात व तस्दीक, देखा तो बेहोश, क्या देखा, इतना बड़ा इंसान है, उसका सर आसमानों पे लगता है, पैर जमीन में धंसे हुए हैं, पूरे बदन के ऊपर बाल और बालों में आंख, डरावना मुंह। अल्लाह के खलील ने कहा अगर गुनहगार को कब्र में और कयामत के दिन अजाब ना होना, ये तुम्हारी सूरत का अजाब काफी है,
अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दे। खैर, अल्लाह पाक मरहूम की मगफिरत फरमा दे, उनकी दर्जात को अल्लाह पाक बुलंद फरमावे, करवट करवट चैन नसीब फरमावे। अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र जमीन की दौलत से मालामाल फरमावे। आयुष वाले राजू भाई भी है और असलम भाई के को खुसूसन के बीवी बच्चों को अल्लाह पाक सब्र जमीन की दौलत से मालामाल फरमावे। तो मेरे भाइयों, हम थोड़ी सी फिक्र करें, एक दिन हमको भी जाना है, इसलिए नेक आमाल में हम लग जावे, गुनाहों से अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला कही सुनी बातों के ऊपर हम सबको मिलकर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुल शरीक بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوه المتين يا رحيم المساكين يا ارحم الراحمين اللهم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بڑے گناہگار ہے، بڑے خطاکار ہے، بڑے سیاکار ہے، اے رب کریم تیری نعمتیں کھا کھا کر، تیری زمین کے اوپر چل کر، تیری ہوا پانی استعمال کر کے ہم نے تیری ہی نافرمانی کی ہے۔ رب کریم اقراری مجرم ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم نہ رکے، ہدایت کے لیے تو نے نبی بھیجا، تو نے کتاب بھیجی، ہم نے کوئی پرواہ نہ کی۔ اے رب کریم ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو معاف کرنے والے کو، معافی چاہنے والے کو تو پسند فرماتا ہے۔ تو نے اپنے در رحمت پر لکھا ہے، انا رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ اے اللہ، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے جو تیرے دربار میں ہم پیش کر سکے، اس لیے کہ ہماری نمازیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہے، ہمارا قرآن کی تلاوت بھی ٹوٹی پھوٹی ہے، ہمارے سارے اعمال چھوٹے ہیں۔ اے رب کریم، بس تیری رحمت کا سہارا ہے، تو اپنے فضل سے ہم سب کی بخشش کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، اگر تو نے معاف نہ کیا، رب کریم یہ چھوٹی سی گرمی دنیا کی ہم برداشت نہیں کر سکتے، بند کمرے میں جب لائٹ جاتی ہے ہم باہر نکل جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہم ہوا کو تلاش کرتے ہیں، وہ قبر کا چھوٹا سا گڑھا جس میں رکھ کر لوگ چلے جائیں گے، دنیا میں اپنے اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے۔ اے اللہ، اولاد اور بیوی یاد کرے گی، دوسرے سارے کے سارے چند دنوں کے بعد بھول جائیں گے۔ اے رب کریم، ہم تنہا ہوں گے، اعمال کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہوگا، اور تیری رحمت کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ رب کریم اس قابل تو نہیں ہے کہ تجھے حساب دے سکے، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم بقیہ زندگی ستے میں گزارنے پھر بھی ہم حساب نہیں دے سکتے رب کریم، اس لیے کہ تیری نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر برس رہی ہے، ہماری آنکھیں، کان، ناک، دل، دماغ، ہاتھ، پیر سب صحیح سالم چل رہے ہیں۔ اے رب کریم، صبح ہوتی ہے ہم آرام سے اٹھ جاتے ہیں، تو میٹھی نیند ہمیں سلا دیتا ہے، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، نافرمانی کرتے کرتے سو جاتے ہیں، فون دیکھتے دیکھتے، گناہ کرتے کرتے سو جاتے ہیں، پھر بھی تو ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے۔ اے اللہ، فجر میں چاروں طرف سے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آوازیں آتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آوازیں آتی ہے، کہ اٹھ جاؤ، اور نماز دین سے بہتر ہے۔ ہماری آنکھ بھی کھلتی ہے، لیکن ہم ایسے پہلے درجے کے مجرم ہیں کہ پھر بھی سو جاتے ہیں، چہرے کے اوپر بلانکیٹ ڈال دیتے ہیں، کبھی کبھی بیوی اٹھا دیتی ہے، کبھی کبھی اٹھانے والے فون کر دیتے ہیں، ہم ان کی فون کی گھنٹی کو کاٹ کر سو جاتے ہیں، بیوی کے اوپر غصہ کر کے سو جاتے ہیں۔ اے رب کریم، نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی تو ہمیں میٹھی نیند سے اچھی طرح بیدار کرتا ہے،
बेहतरीन किस्म का नाश्ता खिलाता है। नहा धोकर हम बाजार में हम जब चले जाते हैं हमारे नाफरमानी की वजह से, फिर भी तू हमें रोजी देता है, फिर भी रोजी देता है हमें, तू ताजा खाना खिलाता है रब्बे करीम, फिर भी हमारी समझ में नहीं आता, फिर भी हमारी समझ में नहीं आता हम इतना ही मुजरिम हैं, हम पहले दर्जे के मुजरिम हैं, तो हमें माफ फरमा दे, माफ फरमा दे ए रब, माफ फरमा दे। अगर माफ न किया ये मौत का फरिश्ता आकर खड़ा हो जाएगा, जब आखिरी सांस होते हैं तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम, आखिरी सांस होने से पहले पहले हमें तौबा की तौफीक नसीब फरमा दे, तौबा की तौफीक नसीब फरमा दे। जब हमारा आखिरी वक्त हो तेरी रहमत का साया हमारे ऊपर हो, अल्लाह तेरी रहमत का साया हमारे ऊपर हो। रब्बे करीम, कौन कौन हमें कलमा तलकीन कराएगा, हमारे वहां तो रिवाज भी नहीं कि मरने वाले के पास बैठकर कोई कलमा पढ़े, कोई यासीन पढ़े। इक्का दुक्का ऐसे वाकयात मिल जाते हैं, वरना अस्पतालों में दम तोड़ देते हैं, रास्तों में दम तोड़ देते हैं। ए रब्बे करीम, क्या होगा हमें समझ में नहीं आता, बस तेरी रहमत का सहारा है तो हमें नेक बना दे, तो हमें नेक बना दे, हमारी सारी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ये तो तेरा करम है कि तूने अपने हमारे गुनाहों पर चादर डाली हुई है, वरना अगर हमारे गुनाह जाहिर हो जावे, कोई हमें सलाम न करे, बच्चा हमें बाप के कर न पुकारे, औरत हमें शोहर के कर न पुकारे, ऐ अल्लाह माँ बाप ऐसी निगाह से देखे कि ये मेरा बच्चा जिसको मेरे 9 महीने पेट में रखा, 2 साल दूध पिलाया, इसको परवान चढ़ाया, आज वो दिन देख ले। ये तो तेरा करम है, तेरे एहसान है कि तूने हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल रखा है। कल कयामत का मैदान होगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका तक सारे नबी होंगे, सारे वली होंगे, सारे सहाबा होंगे। ए रब, हमारे गुनाह जाहिर मत करना, वरना हमारे घर हमारे नबी का दिल डूब जाएगा कि ये मेरा उम्मती कि जिसके लिए मैंने दुआएं मांगी थी, जिसके लिए मैं रोया था, जिसके लिए मैं तड़पा था, जिसके लिए मेरे पेट के ऊपर दो दो पत्थर बांधते थे, ये मेरा उम्मत थी। ऐ अल्लाह हमें रुसवाई से बचा ले, हमें बेइज्जती से बचा ले, हमें इज्जत अता फरमा, दुनिया में भी इज्जत अता फरमा, आखिरत में भी इज्जत अता फरमा, ऐसे आमाल करने की तौफीक अता फरमा। जब हम दुनिया से जा रहे हो, कलमा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वा अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हमारी जुबान के ऊपर जारी हो, तो इसके फैसले फरमा दे, मौत की सख्ती से हिफाजत फरमा, अल्लाह कब्र में मुनकर नकीर के सवालों के जवाब आसान फरमा। ऐ अल्लाह, हश्र का मैदान होगा, लोग नफसा नफसी के आलम में होंगे, कोई कुर्सान हाल ना होगा। ऐ रब्बे करीम, आमाल तोले जाएंगे, अगर नेक आमाल का पड़ना या अल्लाह कमजोर पड़ गया तो पता नहीं हमें कहां जाना पड़ेगा। इससे पहले पहले हमारी सारी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। तू इतना करीम है कि हम तुझसे वो सवाल करते हैं, हमें उम्मीद है तेरी सास से कि तू मंजूर फरमा लेगा हमारे जितने भी गुनाह है रब्बे करीम, जो तू जानता है। या अल्लाह, बास गुनाह तो ऐसे है कि हमारे और तेरे दरमियान है और कोई नहीं जानता। या अल्लाह, जितने भी गुनाह है सारे गुनाहों को माफ फरमा कर उसकी जगह पर हमें नेकियां नसीब फरमा दे। बड़ा करीम है हमारा रब, बड़ा रहीम है हमारा रब। ऐ अल्लाह हमें माफ फरमा दे, जान माल ईमान इज्जत आबरू में बरकत नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह, मुसलमानों के हाल के ऊपर रहम फरमा, खुसूसन फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, मासूम बच्चे जा रहे हैं रब्बे करीम, उनका ईमान कितना जबरदस्त है, हाथों में बच्चों को लेकर दौड़ रहे हैं। ऐ अल्लाह, और उनके ऐसे जज्बात है, उनकी ऐसी कुर्बानी है कि दुनिया किसी मिसाल पेश नहीं कर सकती। या अल्लाह, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा दे।
مسجد اقصا کو آزاد اور آباد فرما دے اے اللہ, مسجد اقصا کو آزاد اور آباد فرما دے اے اللہ, غیبی نظام چلا دے, اپنا خصوصی فضل نازل فرما دے, ہماری زندگیوں میں برکت نصیب فرما دے, بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دے, مرحومین کی مغفرت فرما دے, خصوصاً ہمارے مرحوم جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں, اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما دے. انسان سے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں, رب کریم تم کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے, ان کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرما دے, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے, ان کے گھر والوں کو خصوصاً ان کی بیوی اور بچوں کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال فرما دے, اللہ ان کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال فرما دے, تو ان کا کفیل بچہ, تو ان کا کفیل بچہ, ان کا بچہ بہت تمنا تھی, بہت امید تھی کہ حفظ مکمل ہو جائے, تین چار مرتبہ مجھے کہا تھا مولوی صاحب تیرے بچے کا دیا. اس کو مجھے حفظ کرانا ہے, اے اللہ چل بس ان کی امیدوں کو پورا فرما دے, ان کی امیدوں کو پورا فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے, کوتاہیوں کو معاف فرما دے, اے اللہ جب کوئی پہچان والا اپنا جاتا ہے دل ٹوٹ جایا کرتا ہے, رب کریم یہ سارے مجمع میں جتنے بھی ان کے رشتے دار ہیں محلے والے ہیں, یا اللہ سب کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال فرما دے, یا اللہ ہمارے ایمان کی مکان کی حفاظت فرما دے, جو ہسپتالوں میں ہیں یا اللہ ان کو شفا نصیب فرما دے, جو جیلوں میں لاحق مل ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما دے, جو بچیاں ایمان چھوڑ بیٹھی ہیں اے رب کریم, جو بچیاں ایمان چھوڑ بیٹھی ہیں ایک طرف وہ جہنم میں جائے گی, ان کے ماں باپ جنت میں جائے گی, کیسا منظر ہوگا رب, اب تو نہیں پہچانتے ان بچیوں کو, لیکن اللہ تو قادر مطلق ذات ہے, ان بچیوں کو ایمان نصیب فرما دے, ان بچیوں کو ایمان نصیب فرما دے, ہم اس سے بھیک مانگتے ہیں رب, بھیک مانگتے ہیں, ان بچیوں کو واپس ایمان نصیب فرما دے, یا اللہ جو گم ہو چکے ہیں ان کو راہ راست پڑھ لیا, ہر قسم کے حرام سے ہماری حفاظت فرما, ایمان کا وہ بھی عطا فرما, یا اللہ جو مانگنا نے کہا تو اپنی شاعر شان نصیب فرما, ہم نے مانگا اپنے گمان کے مطابق تو عطا کر تیری شان کے مطابق, ہمارے نبی نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے اس میں ہمارا پورا پورا حصہ نصیب فرما, جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے اس سے ہمیں پناہ نصیب فرما, ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کفیل میں قبول فرما, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, آمین.